हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर मुकेश अग्निहोत्री और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएमटोट्स, जिसे हम कहते हैं अनंत स्पर्शी। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस। एन एसएमटोट्स इज अ लाइन दैट अप्रोचेस क्लोजर टू अ गिवन कर्व एज वन ऑफ बोथ ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टेंस टू इन्फिनिटी बट नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस द कर्व। समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स और वाई एक्सिस है, कोई कर्व यहाँ पर इस प्रकार से है। अब एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है और इस कर्व को इन्फिनिटी पे जाकर टच करती है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये टेंजेंट लाइन है इज कॉल्ड एसिम्प्टोट्स ऑफ दिस कर्व। देर आर टू टाइप ऑफ एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स दो प्रकार की होती हैं, एक पैरेलल एसिम्प्टोट्स और एक होती है ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। पैरेलल एसिम्प्टोट का मीन्स समांतर अनंत स्पर्शी, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स मीन्स तिर्यक अनंत स्पर्शी। सबसे पहले पैरेलल एसिम्प्टोट्स। इफ एन एसिम्प्टोट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टू वाई एक्सिस, देन इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर और पैरेलल एसिम्प्टोट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब कोई लाइन अगर इस प्रकार एक्स के पैरेलल है, इट इज़ कॉल्ड पैरेलल एसिम्प्टोट्स, एंड द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट इज़ कॉल्ड पैरेलल टू वाई एसिम्प्टोट्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट्स एंड इट इज़ कॉल्ड इज सॉरी दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ वर्टिकल एसिम्प्टोट्स एंड दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। मान लेते हैं कि आपका ये एक्स और वाई एक्सिस है और कोई एसिम्प्टोट्स इस प्रकार से इसे कट करती है कि कोई कर्व जा रहा है। दिस टाइप ऑफ एसिम्प्टोट इज कॉल्ड ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक अनंत स्पर्शी भी कहते हैं। मतलब जो एसिम्प्टोट्स पैरेलल नहीं होती वो क्या कहलाती हैं, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कहलाती हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एसिम्प्टोट्स किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स। सबसे पहले जो पैरेलल एसिम्प्टोट्स है उनको फाइंड करने का मेथड। टू फाइंड एन एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो द कोफिशियंट ऑफ हाइस्ट पावर ऑफ एक्स। जो भी आपके पास गिवन कर्व है, उस गिवन कर्व की इक्वेशन में से जो एक्स की हाइस्ट पावर होगी उसके कोफिशियंट को अगर हम जीरो कर देंगे, इट इज़ कॉल्ड एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली गिवन कर्व के अंदर जो वाई की हाइस्ट पावर होगी, तो वाई की हाइस्ट पावर का जो कोफिशियंट होगा उसे इक्वल टू जीरो करने पर हमें क्या मिलेगा, वाई के पैरेलल एसिम्प्टोट्स मिलती है। एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द कर्व। कर्व दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² इक्वल टू x² y² इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4x² प्लस 9y² माइनस x² y² इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, एक्स की हाइस्ट पावर कितनी आ रही है, इसमें x² आ रही है। इसका जो कॉफिशियंट है वो कितना है, 4 है और यहाँ से वाई स्क्वायर है, माइनस का वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, x² का जो कॉफिशियंट है उसको इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो ये क्या आ गया आपके पास, x के पैरेलल एसिम्प्टोट्स। सिमिलरली अब हमें निकालना है y के पैरेलल, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, जो y की हाइस्ट पावर है, कितनी है y की हाइस्ट पावर, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का जो भी कोफिशियंट है, कितना कोफिशियंट दिया हुआ है, 9 माइनस x², इसे हमने क्या किया, इक्वल टू जीरो कर लिया। जीरो करते हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर y के पैरेलल एसिम्प्टोट्स, राइट। दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी फाइंड द मेथड ऑफ ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। अब यहाँ पे ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स को प्राप्त करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो एसिम्प्टोट की जो इक्वेशन है वो वाई इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी है, राइट। अब हमें क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले जो भी गिवन कर्व होगा उसे हम टर्म के साथ अलग अलग कर लेंगे, जैसे जो एन टर्म की टर्म जो एन डिग्री की टर्म होगी उसको अलग कर लेंगे, एन माइनस वन डिग्री की टर्म को अलग कर लेंगे, और इस प्रकार से सभी डिग्री टर्म्स को अलग अलग सेट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, एक्स के जगह पे वन और वाई के जगह पर एम पुट करेंगे, राइट, और अलग अलग टर्म को निकाल लेंगे, जैसे फाई जो एन टर्म होगी उसे अलग निकाल देंगे, फाई एन माइनस वन जो टर्म होगी उसे अलग निकाल लेंगे, फाई वन एक्स जो टर्म है उसको हम अलग निकाल लेंगे। जो हाइएस्ट आपकी जो टर्म होती है उसके फाई एन को हम क्या करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, और यहाँ से निकालेंगे हम एम के रूट। अब एम के रूट अलग अलग होंगे, अगर सपोज़ करो कि एम के रूट डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, नॉन रिपीटेड है, तो हमें सी निकालने का फॉर्मूला काम में लेना है, ये वाला। अगर यहाँ पर एम के रूट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला काम में लेते हैं ये फॉर्मूला। अगर दो आपके रिपीट हो रहे हैं तो फॉर्मूला जाएगा सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू फाई डबल डैश एन ऑफ एम, यहाँ पर ये एन है, प्लस सी बाय फैक्टोरियल वन फाई वन एन माइनस वन ऑफ एम प्लस फाई एन माइनस टू ऑफ एम इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमें ये चीज़ें क्लियर होंगी कि हम किस प्रकार से इसको फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। अब देखो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, जैसे कि यहाँ पर हाइएस्ट टर्म कितनी आ रही है, थ्री आ रही है, तो यहाँ पे हमने थ्री वाले डिग्री टर्म को अलग कर लिया, इसको अलग कर दिया और इसको अलग, राइट। यहाँ पे एन कितना आ रहा है आपके पास, थ्री आ रहा है। एक्स को वन रखेंगे और वाई को हम यहाँ क्या रखेंगे, एम रखेंगे, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, फाई थ्री ऑफ एम लिया, फाई थ्री ऑफ एम में क्या करोगे आप, एक्स वन माइनस एम माइनस एम स्क्वायर प्लस एम क्यूब। फिर हमने क्या किया, फाई टू ऑफ एम निकाला, राइट। फाई टू एम में आप देखोगे ये हो जाएगा टू माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस टू एम, और फिर फाई वन ऑफ एम ये हो जाएगा आपके पास, ये वाला टर्म है यहाँ पर वन माइनस एम, राइट। अब जो सबसे हाइएस्ट टर्म आ रही है फाई थ्री ऑफ एम, इसको हम इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे इसके रूट निकालेंगे, तो आप देख रहे हो ये हो जाएगा वन माइनस एम, यहाँ से आपने माइनस का एम स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो वन माइनस एम इक्वल टू ज़ीरो करेंगे सिंप्लीफाई, तो एम माइनस वन वन माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो करोगे सिंप्लीफाई, एम माइनस वन वन माइनस एम और वन प्लस एम इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें यहाँ से एम की वैल्यू क्या मिल रही है, वन मिल रही है, वन मिल रही है और माइनस वन मिल रही है। तो हमारे पास यहाँ पे एम की तीन वैल्यू आ रही है, जिसमें दो आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है और एक वैल्यू आपकी रिपीट नहीं हो रही है। अब जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे, हम फॉर्मूला काम में लेंगे, चलिए इसको हम आगे देखते हैं कैसे करते हैं इसको आगे। एम के हमारे पास तीन वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे जो एम की वैल्यू आ गई है वो हो गई है माइनस वन वन वन। सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमारे पास एम की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, इसको हम एम वन नाम दे देते हैं, सी वन इज इक्वल्स टू फाई फाई टू ऑफ एम बाय फाई थ्री डैश ऑफ एम, राइट। क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी इज इक्वल्स टू फाई एन माइनस वन ऑफ एम बाय फाई एन डैश ऑफ एम, क्लियर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे फाई टू ऑफ एम, तो फाई टू ऑफ एम हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टू माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस टू एम, फोर एक बार वापस चेक कर लेते हैं क्या है ये, टू माइनस फोर एम स्क्वायर
2 minus 4m square plus 2m by और phi 3 dash का मतलब आप क्या करोगे, इसका कर दोगे एक बार डिफरेंशिएशन, तो phi 3 dash ऑफ m हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 माइनस का 2m और प्लस का 3m स्क्वायर, माइनस 1 माइनस का 2m प्लस 3m स्क्वायर, माइनस 1 माइनस का 2m माइनस का 3m स्क्वायर, प्लस का 3m है, प्लस का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर m को जगह पुट करना है, कितना माइनस 1 हमें पुट करेंगे, तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2। अब सिंस यहाँ पे माइनस का 1 है तो यहाँ पे इसको देंगे माइनस 1, राइट, क्योंकि यहाँ तो m स्क्वायर आ रहा था, बाय माइनस 1, ये प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 2 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2, राइट, ओके, दिस इज 2, दिस इज माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 1 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4, राइट, तो इसी तरह से करोगे सिंप्लीफाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1, सी की वैल्यू कितनी आ गई, C1 की वैल्यू 1 आ गई, तो पहले जो एस एम टूट्स आ गई y इक्वल टू माइनस x प्लस 1, दिस इज फर्स्ट एस एम टूट्स व्हेन m इक्वल्स टू माइनस 1। अब हम निकालेंगे जब m की वैल्यू क्या आ रही है, रिपीटेड वैल्यू आ रही है, 1 1 आ रही है। अब जब रिपीट, जब दो वैल्यू रिपीट होती है तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है सी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 फाई डबल डैश एन ऑफ एम प्लस सी फैक्टोरियल एन माइनस 1 डैश ऑफ एम प्लस फाई एन माइनस 2 ऑफ एम इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास जो एन है वो कितना है, 3 है, दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 फाई 2 डबल डैश, सॉरी फाई 3 ऑफ डबल डैश ऑफ एम प्लस सी फाई 2 डैश ऑफ एम प्लस फाई, यह हो जाएगा 1 ऑफ एम इक्वल टू 0। अब हमें क्या करनी है, इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फाई थ्री का डबल डैश करेंगे हम यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ जो वैल्यू आ रही है माइनस 2 प्लस 6 एम आ रही है, राइट, तो ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ये कितनी वैल्यू आ रही है माइनस 2 एम प्लस 6 एम, माइनस 2 प्लस 6 एम प्लस साइन सी फाई टू डैश का मतलब हो गया, हम करेंगे इस फाई टू का एक बार डिफरेंशिएशन, तो फाई टू डैश ऑफ एम निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 एम प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस 8 एम प्लस 2 प्लस और फाई वन दिया हुआ है, 1 माइनस एम इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे m कितना दे रखा है आपको, m इक्वल्स टू 1 पे निकालना है, तो दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय 2, यहाँ 1 पुट कर दिया दिस इज 4 प्लस सी, यहाँ 1 रख दिया दिस इज माइनस 6, यहाँ 1 रख दिया तो दिस इज 0, राइट, इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 सी स्क्वायर माइनस 3 सी इक्वल टू 0, हमने सी कॉमन ले लिया, 2 सी माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, क्लियर, सॉरी दिस इज यहाँ पे 2 था, यहाँ पे माइनस का 6 है, ओके, हाँ, तो ये हो जाएगा, आपने 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 सी कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू सी माइनस का 3,
तो यहाँ से सी की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 0 और सी इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जो एसिम्प्टोट्स जाएंगी क्या बन जाएंगे, एसिम्प्टोट्स हमारी जो एसिम्प्टोट्स निकलेंगी वो हो जाएंगी y इज इक्वल्स टू 1 डॉट प्लस 0 और y इज इक्वल्स टू 1 डॉट प्लस 3। सॉरी कितना था c की वैल्यू, हम देखो c की लिखते हैं, c की वैल्यू थी हमारे पास, जो हमारे पास c की वैल्यू आई थी ये आई थी हमारे पास कितनी, 3 आई थी, राइट। तो ये हो जाएगी 3, क्लियर है। तो ये इस तरह से हम इसके अंदर एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 एसिम्प्टोट हो गई, 2 तो ये हो गई और एक हमने निकाली थी y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स और प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एसिम्प्टोट्स हो गई। यहाँ पे चूंकि n इक्वल टू 3 था, डिग्री 3 थी, तो एसिम्प्टोट्स भी कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें निकालना है फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व दिस। ये आपको एक कोई कर्व दिया हुआ है और इसको आपको क्या निकालना है, इसके एसिम्प्टोट निकालनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है कितनी है, 3 है। तो यहाँ से आपने क्या किया, फाई 3 ऑफ m को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा एम क्यूब प्लस एम प्लस 2m स्क्वायर साथ ले लिया आपने, और आपने फाई 2f हम वो करोगे तो कोई सेकेंड टर्म है नहीं तो 0 हो जाएगा, और फाई 1 करेंगे अपन यहाँ से तो कितना आएगा, माइनस का m आएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके करने हैं फैक्टर। तो हमने क्या किया, एम क्यूब प्लस एम प्लस 2m स्क्वायर को इक्वल टू 0 कर लिया। अब इसके हमें फैक्टर निकालने, तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, m की ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जिससे कि ये 0 हो जाए। तो मान लेते हैं कि अगर मैंने m मुझे क्या दिया, माइनस का 1, तो माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स जिसका पहला फैक्टर हो गया वो हो गया m प्लस 1। अब इस m प्लस 1 को क्या हमने क्या किया, इस माइनस 1 को हम इधर ले गए। अब इस हमने क्या किया, इसको बाकी के दो फैक्टर निकालने के लिए m प्लस 1 का हमने डिवाइड कर दिया इसके अंदर, इसको m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो m क्यूब हो जाएगा प्लस का m स्क्वायर माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा m स्क्वायर प्लस m। हम दोबारा इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस m और ये कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ से अगर मैंने m कॉमन ले लिया तो m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ रही है, m इक्वल्स टू 0 और माइनस 1। तो यहाँ पे दोबारा से हमारे पास m की तीन वैल्यू, दो वैल्यू हो गई, एक तो 0 हो गई और एक हो गया माइनस 1 और माइनस 1। तो सेम वही क्वेश्चन जो हमने अभी से पहले वाले सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से हमें क्या करना है, 0 के लिए और फिर इस डबल रूट m के लिए जो आपके डबल वैल्यू आ रही है m की, उसके हमें सॉल्व क्या करना है, एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों आप इसको करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना। थैंक यू।